record. Now I am sharing Corel Draw screen. File, new. Today we are going to learn about text. Okay. Fine. Everything about text. Not everything. The things which will be related for our Monday's assignment, because too many things are there in text. So part by part we will learn that things. Okay. Slowly, steadily, वो सारे text के जो भी कुछ properties हैं वो हम सीख लेंगे. Text यहाँ पर है आपका text tool. Okay. Click करो and फिर जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आप click करो. Okay. For example, I am saying I am in batch 5 to 5:40 PM. Okay. Now you will notice that the text has been drawn. If I am clicking anywhere, bahar, agar main bahar kahi par bhi click kar deta hun, to again you will notice that ki naya block chalu ho jayega. For example, I am learning Corel Draw. मतलब क्या हो गया अभी इससे कि ये जो टेक्स्ट है मेरा वो अलग ब्लॉक हो गया और ये जो टेक्स्ट है मेरा वो अलग ब्लॉक हो गया. ओके. तो हम कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट. ओके. इसके नाम के ऊपर मत जाओ. आप कहोगे कि इसमें आर्ट क्या है. अभी फिलहाल तो इसमें आर्ट कुछ नहीं है. ओके. बट दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड एज आर्टिस्टिक टेक्स्ट, जो हम एक लाइन में लिखते हैं. ओके. आई कैन गो ऑन राइटिंग. मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लाइक हेलो आई एम केदार देशपांडे, एंटर. आई वर्क विथ कोर्स वाले, एंटर. आई टीच इंजीनियरिंग ग्राफिक्स. आई also teach graphic designing. I am aware of web designing. Okay. So जब मैं enter मारूंगा, enter मारने के बाद वो नए line पे आएगा. Okay. I stay at my office is in Erandwana. Erandwana is in Pune. Understood. So now what will happen? अभी क्या हो जाएगा कि ये जो चीज है वो मेरा एक ब्लॉक हो गया, ये जो चीज है वो दूसरा ब्लॉक हो गया, और ये जो सारे लाइन्स है ये सारे लाइन्स मिला के मेरा एक ब्लॉक हो गया. Getting it? अभी सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है. वर्ड तीनों ने ऑपरेट किया है ना. हेलो वेरी मच. हाँ, चारुता मैडम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वापर ले. आशीष ओ वापर ले सर. तो उसमें हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? ओ वापर ले सर. राइट. तो उसमें हम कैसे जैसे सिलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब किसी भी वर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर क्लिक करके ड्रैग करके हम पूरे सेंटेंस का सिलेक्शन कर सकते हैं. इसमें से किसी भी एक बंदे को पकड़ के मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ. अभी थोड़ा टाइम लगेगा फॉन्ट के रेंडरिंग के लिए, मतलब आने के लिए. ये देखो ये सारे फॉन्ट्स है. ओके. जैसे कि मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, इसको सिलेक्शन किया, इसका फॉन्ट मैंने चेंज किया. ओके. यहां से मैं उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ 30. ओके. फिर उसके बाद मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ. अभी यहाँ पर बोल्ड सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि ये फॉन्ट को बोल्ड सपोर्टेड है, तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इसको इटैलिक कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ. गेटिंग इट? अभी ये जो फॉन्ट है मेरा, ये कौन सा है? ये तो आरटी स्टैम्प मीडियम करके कुछ फॉन्ट है, तो इसको सिर्फ अंडरलाइन सपोर्टेड है, इसको बोल्ड और इटैलिक सपोर्टेड नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है. बट अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट लेता हूँ,
जैसे कि ये अर्नो प्रो, इसको अगर मैंने ले लिया तो इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ. गेटिंग इट? सिंपल यहाँ तक? वेरी मच राइट. अभी ये पूरा जो मैंने पैराग्राफ टाइप किया है एंटर 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 देके, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग अलाइनमेंट दे सकता हूँ. वर्ड जैसे ही अलाइनमेंट है यहाँ पर, सिर्फ एक दूसरा एक नया अलाइनमेंट है. अभी तो फिलहाल कुछ भी अलाइन नहीं है. आई कैन मेक इट लेफ्ट अलाइन, आई कैन मेक इट सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, फुल जस्टिफाई एंड फोर्स जस्टिफाई. ये फोर्स जस्टिफाई नया चीज है. मैक्सिमम टाइम्स हम इसे यूज नहीं करेंगे, फुल जस्टिफाई ही यूज करेंगे. तो फुल जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट और राइट को वो मैच कर देता है. और फोर्स जस्टिफाई जो है वो लास्ट वाले लाइन को भी जस्टिफाई कर देता है. गेटिंग इट? ये देखो, ये आपका फुल जस्टिफाई है, लेकिन लास्ट वाली लाइन इतनी है ना मेरी, तो इसलिए यहाँ पर ये एंड हो गया. तो वैसा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर फोर्स जस्टिफाई है. अभी सारे जो लाइन्स है मेरे वो एक लाइन में चालू हो रहे हैं और एक लाइन में एंड हो रहे हैं. गेटिंग इट? एवरीवन अंडरस्टूड? लेका, आर यू देयर? चारुता मैडम समझ लो. आशीष? आशीष हो सर, समझ लो. हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दिस सेकंड टूल. ओके, ये टूल हम अभी ऑपरेट करेंगे. ये है अपना शेप टूल. जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक आपको छोटे छोटे नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पर हर एक कैरेक्टर के सामने. कैन यू सी देम? जो नहीं है, अनफिल्ड काइंड ऑफ स्क्वायर्स. ओके, तो ये उस कैरेक्टर के या फिर उस क्या बोलेंगे हम, कैरेक्टर के ही नोड्स है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये शेप टूल ले सकते हैं. और शेप टूल लेने के बाद हम अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एक एरो दिख रहा है हमको और यहाँ पर एक एरो दिख रहा है हमको, तो अगर हम इस एरो पे आ जाए शेप टूल लेके, नॉट द पिक टूल, सेकंड टूल, सेकंड टूल लेके अगर हम यहाँ पर आ जाए और क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो आप देखोगे दो कैरेक्टर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो चेंज हो रहा है. टाइट स्पेसिंग चाहिए आपको या आपको ऐसा स्पेसिंग चाहिए, लूज स्पेसिंग या टू लूज स्पेसिंग चाहिए? गेटिंग इट? तो ऐसे आप स्ट्रेच कर सकते हो कैरेक्टर्स को, लेकिन कैरेक्टर का जो भी कुछ ये है, व्हाट यू से प्रोपोर्शन, वो सेम रहेगा. सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कैरेक्टर्स के बीच का जो भी कुछ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है. सेम विल हैपन फॉर दिस. ये देखो, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, दो कैरेक्टर्स के बीच का जो भी कुछ डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है. सॉरी, वो डिस्टेंस पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. सॉरी, द बिगिनिंग पोजीशन इज नॉट चेंजिंग. नो नो, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज. बिकॉज़ कैसा है, बिगिनिंग पोजीशन जो रहता है वो हमने दिया हुआ रहता है. इट इज इंटेंडेड कि बिगिनिंग पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन पे बिठा हुआ रहता है ना ये टेक्स्ट, इसलिए. ओके, तो ऐसे हम ड्रैग करके दो कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं. और अभी देखो, अगर हम शिफ्ट दबाएंगे इसके साथ, शिफ्ट, तो दो जो लेटर्स है अपने उसके बीच का डिस्टेंस सेट हो रहा है. देखा आपने, आई, फिर उसके बाद बड़ा स्पेस, फिर एम, उसके बाद बड़ा स्पेस लर्निंग, उसके बाद बड़ा स्पेस कोरल ड्रॉ. गेटिंग इट? विदाउट शिफ्ट दो कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस सेट हो जाएगा, और अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो दो वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस सेट हो जाएगा. गेटिंग इट? हाँ, तो ये शिफ्ट याद रखो. हाँ, शिफ्ट से दो किसका डिस्टेंस, शिफ्ट से दो वर्ड्स, और शिफ्ट अगर नहीं दबाएंगे तो दो लेटर्स, सारे लेटर्स अलग हो जाएंगे, कैरेक्टर्स. ओके, नाउ देयर इज वन मोर एरो यहाँ पर, यहाँ पर और एक एरो है. ये अभी तो फिलहाल काम का नहीं है अपने एक सिंगल लाइन के लिए, लेकिन जब पैराग्राफ रहता है तो ये बंदा क्या करता है,
दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस इट इज गोइंग टू सेट. ये देखो, ओके, ये आगे अगर ऐसे टाइट में आ जाता है तो उसको पढ़ पाना डिफिकल्ट रहता है ना अपने को. तो व्हाट वी डू इज इसको हम थोड़ा सा खुला कर देते हैं ताकि दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेट हो जाए. तो ड्रैगिंग दिस कैरेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस, शिफ्ट अगर दबाएंगे तो दो वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, एंड अगर हम यहां पर आ जाते हैं और ड्रैग करते हैं तो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस. अंडरस्टूड द बेसिक कंट्रोल टेक्स्ट का? गुड. नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वन. ये लिया मैंने शेप टूल, और शेप टूल लेके मैं किसी भी एक नोड को सिलेक्ट कर सकता हूं, और नोड को सिलेक्ट कर देने के बाद मैं इस बंदे को ऊपर लेफ्ट साइड को राइट साइड को कहीं पर भी उठा सकता हूं. अंडरस्टूड? ये देखो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं उस नोड को और मैं ड्रैग कर रहा हूं. फाइन? yes. सबको समझ में आ गए? फॉर एग्जाम्पल स्क्रैम्बल, ओके, ऊपर, ओके. तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं डिजाइन के भाषा में? एनीवन नोज? ऐसा कुछ लिखा हुआ? टाइपो. अपने टेक्निकल लैंग्वेज में हम टाइपो कहेंगे इसे, टाइपोग्राफी, शॉर्टकट में टाइपो. कि टाइपो में डिजाइन कर, ऐसा हम कभी कभी कहेंगे. तो टाइपो में डिजाइन करने का मतलब ये ऐसे कुछ करना पड़ता है अपने को. अंडरस्टूड? गेटिंग इट? ओके. तो अभी मुझे क्या चाहिए? अभी मुझे ये वापस एक लाइन में चाहिए. वापस? हाँ, सॉरी, इसको अभी हम स्पेसिंग भी कम बड़ा करें. या कर सकते हैं, बिल्कुल. ये देखो, वो तो अपना रेगुलर जो पुराना रूल है वो तो रहेगा ही रहेगा. ये सिर्फ हमने एक ही कैरेक्टर को पकड़ के हमने कुछ चेंजेस किए उस पे. गॉट इट? अभी वापस इसको एक लाइन में रखना है हमको. तो एग्जैक्टली एक लाइन में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर टेक्स्ट मेन्यू है, और टेक्स्ट मेन्यू में आके यहाँ पर हम कहेंगे अलाइन टू बेस लाइन. ओके, ये देखो वापिस ये नॉर्मल हो गया. फाइन? अगेन? या मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके मैं टेक्स्ट मेन्यू में आ जाऊंगा, और टेक्स्ट मेन्यू में आके मैं यहाँ पर कहूंगा अलाइन टू बेस लाइन. ओके. अभी इसका शॉर्टकट यहाँ पर दिया है, इट इज ऑल्ट प्लस F12. ऑल्ट पकड़ के अगर आप F12 दबाओगे तो वो अलाइन टू बेस लाइन हो जाएगा. समझ गए यहाँ तक? यस सर, यस सर. ओके. नाउ आई नीड अ पैराग्राफ, इसलिए मैं अंडू कर रहा हूँ. ओके, ये पैराग्राफ तो मैंने टाइप किया. पैराग्राफ टाइप कर देने के बाद अभी मुझे क्या करना है, तो ये सारे लाइंस को मुझे अलग अलग करना है, लाइंस को एक्सप्लोर करना है. जैसे कल हमने अनग्रुप किया ना, वैसे ये सारे लाइंस को हमको अलग अलग चाहिए हमको. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन होल्ड डाउन कंट्रोल एंड के से क्या हो गया, देखो, के एज इन केदार. ओके, ये देखो, ये सारे जो लाइंस है मेरे वो अलग अलग हो गए. ऑल द लाइंस आर डिफरेंट नाउ. अंडरस्टूड? कंट्रोल के क्या करेगा? नो. No, I didn't understand. No? Wait. ये अभी मेरा पूरा एक पैराग्राफ है. Yes, sir. सारे लाइंस मेरे एक ही पैराग्राफ के हैं, बराबर? Right, sir. अभी मुझे क्या करना है, सबको मुझे अलग अलग करना है. हेलो आई एम केदार एक लाइन होना चाहिए, आई वर्क विथ कोर्स वाले अलग लाइन रहना चाहिए, आई टीच इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अलग होना चाहिए. गॉट इट? यस सर, इट्स ऑलरेडी देयर. इट्स 1 2 3 4 5 6 7. तो कंट्रोल पकड़ के तो उससे क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया,
ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, समझ गए? आशीष आणि चारुता मॅडम समजलं हे कंट्रोल के? हाँ सर, एक क्वेश्चन होता. हाँ बोल ना सर. म्हणजे जेव्हा पॅराग्राफ म्हणजे क्रिएट करतो ते ऑटोमॅटिक ग्रुप होऊन जात का ते? नाही, आपण हे बघ दाखवतो तुला, ऑटोमॅटिक ग्रुप नाही होत. हे बघ, दिस इज एक्झाम्पल ऑफ लाईन वन. ओके, आता हा काय झाला, हा एक ग्रुप झाला कारण की मी सोडून दिलं टेक्स्ट लिहिणं. गेटिंग इट? जर का मी टेक्स्ट घेतलं आणि जर का बाहेर क्लिक केलं तर दिस विल बिकम लाईन टू, दिस विल बिकम लाईन टू. ओके, अगर मैं बाहर आ गया और क्लिक किया तो दिस इज अ सेपरेट लाइन. अंडरस्टूड? दिस विल बी अ सेपरेट लाइन. एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दिस इज पैरा लाइन वन. आशीष आता लक्ष दे, आई एम गिविंग एंटर यहां पर, समझ लो. आशीष जेव्हा मी एंटर देतो, जब मैं एंटर देता हूँ तो ये बंदा क्या करता है, नीचे वाली लाइन पे आता है जहां पर मैं नेक्स्ट लाइन जो है वो मैं इमीडिएटली टाइप कर सकता हूँ. तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन ये जो चार लाइन्स है वो मेरे एक साथ है. क्यों एक साथ है? बिकॉज वन के बाद मैंने एंटर दिया. अंडरस्टूड? और अभी अपना टारगेट क्या है, तो ये जो सारे लाइन्स है इनको अलग करना, बिकॉज अभी अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये सारे बंच में है, तो इनको मैं कैसे अलग अलग करूंगा? तो विथ हेल्प ऑफ कंट्रोल के, कंट्रोल के दबाने के बाद यू विल नोटिस दैट कि ये अलग है बंदा, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है. समझ गए? आशीष समझ लो ना? हो, समझ ले सर. ओके ओके, अभी इसका रिवर्स प्रोसेस देखना आप. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया और इसको किया. शिफ्ट दबाना पड़ता है हमको, शिफ्ट दबाना पड़ता है. और अभी ये चार लाइंस है अपने पास, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल, कंट्रोल दबा के एल, एल एल एज इन लायन लंडन एल. ये देखो ये क्या हो गया, अभी ये अगेन पैराग्राफ में कन्वर्ट हो गए. एक सारे जो लाइंस है वो मेरे एज अ सिंगल पैरा हो गए. लेकिन आपने देखा एक गड़बड़ हो गया यहाँ पर, 4-3-2-1 ऐसे हुआ, 1-2-3-4 नहीं हुआ. वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है मालूम क्या आपको, कि जैसा मैं सिलेक्ट करता हूँ ना उसके ऊपर डिपेंड रहता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर शिफ्ट दबा के मैं 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर 1 को कर रहा हूँ, फिर 4 को कर रहा हूँ. और अभी मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2-3-1-4. हाँ, वो जैसे हम सिलेक्शन का सीक्वेंस करेंगे ना, वो सिलेक्शन में फिर वो एक हो जाएंगे. जैसे अभी मुझे चाहिए पहले पहला, दूसरा तीसरा और चौथा, और फिर कंट्रोल पकड़ के एल, तो ये फिर बराबर वो फॉर्मेशन हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मेशन बराबर नहीं होगा. गेटिंग इट? सर इसका अनग्रुपिंग का क्या था, कंट्रोल प्लस वन? ये ग्रुप अनग्रुप नहीं है, ग्रुप अनग्रुप नहीं है, ग्रुप अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स के लिए रहता है. दिस इज नॉट फॉर टेक्स्ट. हाँ नो, वन व्हिच हैपेंड इज के पहले जो पैराग्राफ था ना, अलग 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 करना ना. हाँ, उसको कंट्रोल के, मेरा नाम याद रखो, केदार को याद रखो. केदार को हर जगह याद रखेंगे तो काम होता है ना सर. कंट्रोल के, कंट्रोल के अलग अलग करेगा और कंट्रोल एल एक साथ लाएगा. ओके, कंट्रोल समझ में आ गया ना? तो अप टिल नाउ हमने क्या क्या सीखा है,
कि टेक्स्ट लिखना सिंगल लाइन, टेक्स्ट लिखना पैराग्राफ, फिर उसके बाद सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट चेंज करना, फिर अलाइनमेंट्स देना, फिर उसके बाद ये शेप टूल लेके उसके जो नोड्स है नोड्स को पकड़ के उसको कुछ अलग 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 शेप्स देना, और इनको अभी मुझे एक लाइन में चाहिए जो मैंने ऊपर नीचे किया है उसको अलग कर, उसको सेम लाइन में लाना है, तो मैं टेक्स्ट में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं कहूँगा अलाइन टू बेस लाइन, जिससे वो सेम लाइन में आ जाएंगे। फिर हमने सीखा कि अगर पैराग्राफ है तो उसको अलग अलग कैसे करने का विद हेल्प ऑफ कंट्रोल के, और फिर अगर अलग अलग लाइन्स है जैसे कि ये लाइन है शिफ्ट पकड़ के, ये लाइन है शिफ्ट पकड़ के, ये लाइन है, उनको एक साथ कैसे लाने का, कंट्रोल एल, ये देखो तो ये अभी कंबाइन हो गए कंट्रोल एल से। फाइन, दिस इज वन पैराग्राफ नाउ एंड दिस इज दूसरा पैराग्राफ, गेटिंग इट? नाउ आई नीड ओनली वन लाइन सर। जो आपने स्क्रैबल किया ना ऊपर नीचे किया सबसेट जैसा ना, सो उसको हाफ सर्कल हाफ सेमी सर्कल उसका भी कुछ होता है? हो हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम टेक्स्ट के पाथ के ऊपर भी टेक्स्ट को रख सकते हैं, करेंगे जैसे कि जैसा हो गया नहीं, हो नहीं सकता? अभी अभी हाँ हो सकता है, लेकिन अभी नहीं उसमें जाएंगे, स्लोली स्टेप उसमें जाएंगे, काफी सारे सेटिंग्स है, काफी सारे सेटिंग्स है। अभी अभी टेक्स्ट को भी आप क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो इस तरीके से, और कभी भी ऐसे नहीं आना है आपको, नहीं तो ये देखो टेक्स्ट का वो जो प्रोपोर्शन है वो चला गया, आपको हमेशा क्या करना है, आपको आना है कॉर्नर पॉइंट्स पे, डायगोनल पॉइंट्स पे, और डायगोनल पॉइंट्स पे ही आपको स्केल अप या स्केल डाउन करना है। वापिस अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसको रोटेट कर पाओगे, ओके? तो बाकी के ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी कुछ आप करते हो वो सारा चीज आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो। फाइन, पोजिशन, रोटेशन, स्क्यू, ये सारा चीज। फिर उसके बाद हमने जो कल देखा था कि ड्रैग करके राइट क्लिक करना, ये आप इसके साथ भी कर सकते हो, कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर, ये भी कर सकते हो, मतलब जो भी कुछ पुरानी चीजें हैं अपनी वो सारे टेक्स्ट के साथ भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फाइन, ओके ओके, अभी ध्यान से देखना, अभी इफ आई एम कमिंग ऑन दिस बटन, दिस बटन विल ओपन टेक्स्ट के प्रॉपर्टीज, ओके, एंड उसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी, टी टी एज इन तमिलनाडु, कंट्रोल टी। तो जो हमने यहाँ पर किया ना सारा चीज अभी जो शॉर्टकट से किया वो हम सारा चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर, कौन सा फॉन्ट लेते हैं, लेट्स से दिस, ओके, किया मैंने, फिर उसके बाद मैं इस फॉन्ट का साइज चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, ओके, एंड सेम थिंग कुड हैव बी डन फ्रॉम हियर, ओके, फिर उसके बाद मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, तो ये चीज है, ओके, फॉर दैट मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एग्जाम्पल वर्ड को और इसको मैं स्ट्रेच करूंगा, ओके, ये देखो, अंडरस्टूड? जो हमने ये एरो से किया था, शेप टूल लेके हमने किया था, लेकिन अभी कैसा है, हमने सिर्फ सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करके, ये हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करके हमने यहाँ से चेंज किया। बाय द वे इसको टेक्निकल भाषा में कर्निंग कहते हैं, KERNING, कर्निंग, कर्निंग इज डिस्टेंस बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ओके, सॉरी, KERNING, कर्निंग, कर्निंग इज डिस्टेंस बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ओके। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया, तो एग्जाम्पल को सिलेक्ट करके मैं इसको फिल कर सकता हूँ, और फिलिंग जो है वो आपको कैसा चाहिए, नो फिल चाहिए, यूनिफॉर्म फिल चाहिए, फाउंटन, टू कलर, फुल कलर, बिटमैप, पोस्क्रिप्ट, टेक्सचर, ये इतने सारे फिल्स है अपने पास,
जिसमें से हमने अभी तक एक ही फिल सिलेक्ट किया है, विच इज यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म फिल का मतलब क्या है, आप यहाँ से कोई भी कलर इसको दे सकते हो। बट वेरी वेल, आई कैन डू दिस विथ हेल्प ऑफ ऐसे भी, कोरल ड्रॉ को सिलेक्ट किया, ये कलर पैलेट में आ गया मैं, और मैंने कोई भी कलर पे क्लिक किया। अंडरस्टूड? तो दिस कैन बी एक्सेस फ्रॉम हियर, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम हियर, यूनिफॉर्म फिल। अभी अगर किसी को हाईलाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हाईलाइट करना है, जैसे हम हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर है ये चीज, यहाँ से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। जैसे अभी यूनिफॉर्म फिल से मुझे हाईलाइट कर देना है, और उस हाईलाइट का कलर है ये बंदा। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, जब मैं डिसलेक्ट करूंगा यू विल नोटिस दैट इट इज हाईलाइटेड। ओके, तो ऐसे कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं। ओके, आप स्ट्रोक दे सकते हो, स्ट्रोक आप यहाँ से दे सकते हो इसको, फॉर एग्जाम्पल 0.25 mm का हमने स्ट्रोक दिया, ये देखो। ओके, अभी यहाँ पर ध्यान दे दो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, वो हम गड़बड़ बाद में ये करेंगे, बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ से उसको स्ट्रोक दे सकते हो। ओके, और स्ट्रोक हम कहाँ से दे सकते हैं, अगर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आ गया मैं और राइट क्लिक किया, तो वहां से भी हम स्ट्रोक दे सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ओके, फिर उसके बाद और कुछ चीजें हैं। अभी मैं स्ट्रोक को हटा देता हूँ, ताकि बाकी के जो भी कुछ चीजें अभी हम करेंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट कर देने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एक्चुअली दिस इज फॉर द एंटायर दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर आ गया मैं ऑल कैप्स, तो ऑल कैप्स से क्या हो जाएगा, एवरीथिंग इज इन कैपिटल, ये देखा आपने, एवरीथिंग इज चेंज टू कैपिटल। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ टाइटलिंग कैप्स, तो क्या हो जाएगा, टाइटलिंग कैप्स का मतलब ये अपने को वर्ड में भी था, ये देखो जो पहला वर्ड है यहाँ पर, दिस ई टी सी, दिस हैज बिकम कैपिटल। ओके, फिर उसके बाद है स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स कुछ ये ऐसे आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ऑल स्मॉल कैप्स, फिर उसके बाद स्मॉल कैप्स फ्रॉम कैप्स, तो ऐसे काफी सारे इसके सेटिंग्स हैं। ओके, कभी कभी अपने को लग जाते हैं, जैसे हमने टाइप किया और फिर उसके बाद अपने क्लाइंट ने कहा कि अरे सबको कैपिटल कर देना, तो सबको कैपिटल कैसे करूं मैं, तो उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर बोल दूंगा मैं ऑल कैप्स, सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। ओके, फिर उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट है, मतलब अगर मैं बोल देता हूँ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, तो अभी इस डिग्री को, ओ को मैं ऊपर कैसे लेके जाऊं, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पर आ जाऊंगा, और यहां पर आके मैं उसे बोलूंगा कि तू सुपर स्क्रिप्ट बन जा, ये देखो दिस इज कॉल्ड अ सुपर स्क्रिप्ट, जो ऊपर चला जाता है। अंडरस्टूड? देयर इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट ऑल्सो, जो क्या करेगा, जो नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट, तो ये बंदा नीचे आएगा, सी हियर, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। आपको सिर्फ कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, और कैरेक्टर को सिलेक्ट कर देने के बाद आपको, आप उसको सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हो या फिर सबस्क्रिप्ट कर सकते हो। गॉट इट? अंडरस्टूड? अगर नन चाहिए तो आप नन बोलो, वो वापस बराबर से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो नन, फाइन, डिग्रीज को वैसे ही रख देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर सीधा आ रहा हूं, और यहाँ पर सिंगल थिन, मतलब क्या कहेंगे उसको, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू कैसे चाहिए आपको, या ऐसा चाहिए, या ऐसा चाहिए। ओके, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फाइन। फिर उसके बाद अपने पास है स्ट्राइक थ्रू के बाद ओवरलाइन, ओवरलाइन जैसे ऐसी चाहिए आपको, सिंगल थिन चाहिए या सिंगल थिन वर्ड चाहिए, हर एक वर्ड को ओवरलाइन आ गई है, या फिर सिंगल थिक चाहिए या सिंगल थिक वर्ड चाहिए। ओके, या फिर डबल चाहिए। ओके, या फिर डबल वर्ड चाहिए,
आप ऐसे अंडरलाइन को भी कर सकते हो, जैसे अभी यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर अंडरलाइन है, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि हर एक वर्ड को अंडरलाइन चाहिए, तो हर एक वर्ड को अंडरलाइन आ गई। गेटिंग इट? समझ में आ गया क्लियर, नहीं यस। है? अभी लास्ट सेटिंग देखो, जो हमने इससे किया था ना, वो सेम चीज आप यहां से कर सकते हैं कंट्रोल्ड वे में। जैसे अभी सिर्फ ई को मैंने सिलेक्ट किया है, और यहां पर अगर मैं आके कुछ ये देता हूँ, वैल्यू देता हूँ, तो यू विल नोटिस दैट एक्स में ये बंदा मूव हो रहा है, इट इज मूविंग इन एक्स। गेटिंग इट? एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में ये बंदा मूव हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं सॉरी ई को सिर्फ सिलेक्ट करता हूँ, वाई में अगर कुछ वैल्यू देता हूँ, तो ये बंदा सिर्फ वाई में पुश हो रहा है। ये देखो, दिस इज इन अ कंट्रोल्ड वे, दिस इज इन अ कंट्रोल्ड वे। हमने पहले कैसे किया था? हमने अनकंट्रोल्ड वे में किया था, कोई वैल्यू नहीं थे, लेकिन नाउ आई एम गिविंग अ वैल्यू टू दिस। ओके, ये देखो, अंडरस्टूड? एंड यहाँ पर और भी एक सेटिंग हमको मिलता है, जैसे अभी इस ई को मैंने सिलेक्ट किया, और इस ई को मैं ऐसे कुछ रोटेट कर सकता हूँ, सिर्फ ई को। ओके, सी इन दिस वे, फाइन, ऐसे या फिर ऐसे। ओके, गॉट इट? ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग किया, ये वर्टिकल शिफ्टिंग किया, और ये हमने कैरेक्टर का एंगल चेंज किया। अभी वापस मुझे सारा चीज नॉर्मल अगर कर देना है, तो आई कैन कम इन टेक्स्ट, आई कैन से यहाँ पर सबसे पहले इसका एंगल हटा देते हैं। एंगल हटाने के लिए मैं टेक्स्ट में आ जाऊंगा, और यहाँ पर मैं स्ट्रेटन टेक्स्ट इस पे क्लिक करूंगा, तो सबका एंगल हट गया। ओके, स्ट्रेटन टेक्स्ट, स्ट्रेटन टेक्स्ट से एंगल हट जाता है। और हमने ये तो चीज देखा ही था, अलाइन टू बेस लाइन, जिसे अगर ऊपर नीचे को शिफ्ट किया होगा हमने, तो वो नॉर्मल हो जाता है। गॉट इट? टेक्स्ट का तो आज ये जो सारी चीजें हैं, ये